बप्पन बेगैरत उसके साथ रिश्ता तय कर रही है उसका। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं ये ऐसा कोई उल्टा सीधा फैसला होने नहीं दूंगा। मेरा तुम्हें याद है तुमने एक दफा मुझसे क्या कहा था? एक वादा लिया था तुमने मुझसे। तुम्हारा मतलब कि समीना? नानी, नानी ये लो मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। पूरे 25,000 रुपए तनख्वाह लगी है मेरी। 25,000? हाँ। अरे कम नहीं है 25,000? कहाँ कम है नानी 25,000 रुपए, शुरू शुरू में 25,000 रुपए, बाद में बढ़ जाएगी। और वैसे भी पेक एंड ड्रॉप देंगे ना मुझे, बाइक में अपना पेट्रोल डलवा के नहीं जाना पड़ेगा। और बस बॉस ने मुझे कहा है कि अब तुम ना जरा थोड़ी ग्रूमिंग पे काम करो और जरा टिशम टाइटरा करो। ठीक है ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम? ये तुम्हारे लिए बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी नौकरी लगी? मुझे यकीन था और मेरा दिल कह रहा था कि तुम तरक्की की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो वो तुम्हारी तरफ दो कदम बढ़ाएगा। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेके आ। ये मुंह मीठा करो। हाँ। तो तुम्हें ऐसे ही पता चल गया? हाँ। इतना सोचती हो मेरे बारे में? हाँ। बाजार चलें? मेरे पैसों से जाएंगे, तुम्हारे पैसों से नहीं। और ये बर्थडे भी है, तुम अम्मा समीना और नानी को लेकर आओगे? आऊंगा। वैसे भी मेरे बॉस ने मुझसे कहा है कि अब मुझे अपने आप को ग्रूम करना है और बड़े लोगों में बैठना है। आप लोग तो बहुत बड़े हैं। बैठो बैठो। शानू जी। बीबी जी, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। जी अच्छा जी। सुनो वो आयशा कहाँ है? जी पता नहीं बीबी जी। अरे हाँ सुनो, वो परसों ना बर्थडे पार्टी है घर में, तो तुम्हें रात को घर पे ही रुकना होगा। बीबी जी मेरा बेटा जो ना, उसकी जरा तबीयत नहीं सही। तुम्हारा बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो तुम्हारे बगैर रह ना सके। घर कौन संभालेगा? मगर वो अगर मगर करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा काम के पैसे दे दूंगी। और वैसे भी खाना तो तुम यहाँ से लेके जाती हो ना। अच्छा जी सही है जी, ठीक है। वैसे भी देखो ना, अब घर तुमने ही संभाला हुआ है सारा। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा घर नहीं है, तुम्हारा है। अरे जी मैं इसको ना अपना घर समझती हूँ, प्यार है मुझे आप लोगों से, इसीलिए तो जाती नहीं छोड़ के। तुम्हारी बहुत मेहरबानी, जाओ कॉफी लेकर आओ मेरे लिए। हाँ जी अच्छा जी। तो बात हो बात, इन मुलाजिमों के भी कैसे कैसे नखरे उठाने पड़ते हैं। ये लो, ये पकड़ो। आप ये वाला फोन मुझे दो, ये पकड़ो। ये वाला फोन मेरी मोहब्बत के तुमसे इजहार के लिए, और ये वाला फोन तुम्हारे इकरार के लिए। आप खुद को बहुत बड़े इम्तिहान में डाले। ऐसा भी इम्तिहान पास कर लूंगा, और वो भी खुद। जी मैम। हाँ फरीद, कहाँ हो तुम? अभी घर आ रहा हूँ मैम, बताइए। किसके साथ हो?
वो मेरे साथ तेरा दोस्त है। फौरन घर पहुंचो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। ठीक है मैं आता हूँ। चलो। आपने अपनी मामा से झूठ क्यों बोला? बहुत जल्द सब कुछ सच बता दूंगा मैं। आप अपना वादा निभाओगे तो सही ना फरीद? मरते दम तक। हत्था विच तेरा नाम बोल दा सजना सजना, सावा विच तेरा प्यार डोल दा। पुतली कदी तुसी भी अपने वालन तो तेल लुआ लिया करो, देखो की हाल हो है ना दा। दादू मैं तो आपको कहती हूँ, जब आप मेरे बालों में तेल लगाती हैं मुझे बहुत सुकून मिलता है, लेकिन आप बुलाती ही नहीं है मुझे। I love you दादू। Me too. आप इंग्लिश बोल रही हैं? हाँ बेटा, जब मुझे फिरंगियों के ऊपर गुस्सा आता है ना, तब मैं उन्हीं की जबान में उनको बेड़ा गर्क करके मैं गुस्सा निकाल लेती हूँ। माँ जी, मैंने हिना की बर्थडे के लिए कुछ लिस्ट बनाई है मेहमानों की, जरा देख लें, अगर आपको किसी और को बुलाना है तो फिर मैं ऐड कर लेती हूँ। 300 लोगों को बुला रही हैं? हाँ, तो इतने ही लोग आते हैं हर साल तुम्हारी बर्थडे पे, बल्कि इन सबको तो तुम्हारी बर्थडे का इंतजार रहता है सारे साल। नेवर, इस बार 300 लोग नहीं आएंगे। ये हो गया है तनु हिना पुत्र। तो देखे ना मामा, एक सोशल वर्कर है, वो गरीबों की मदद करती है, और वैसे भी हम क्यों इतने पेट भरे लोगों को बुलाकर अपना पैसा जाया करें इन पर? क्यों ना किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दी जाए इस पैसे से, या किसी गरीब का इलाज करवा दिया जाए। ए तो ठीक है, गुड गुड गुड। हाँ जी, लोग बर्थडे में आते हैं तो महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। हाँ, मुझे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, और वैसे भी कोई खुशी का मौका तो है नहीं, मेरी उम्र में से एक साल कम हो रहा है दादो। तो क्या तुम अकेली बर्थडे मनाओगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बर्थडे तो मेरी बहुत खास होगी, मैं अपने कुछ खास लोगों को बुलाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, सबको इनविटेशन जा चुके हैं, और तुम्हारे बाबा ने भी सबको कह दिया है। क्या हो गया तुम्हें? मामा प्लीज, सब कुछ कैंसिल हो सकता है, और अगर आपने खामखा की जिद की ना, तो मैं सालगिरह वाले दिन अपने घर से कहीं चली जाऊंगी। हिना, हिना, देख लिया माँ जी आपने? नहीं तो ना सही। सच सच बताओ फरीद, वो लड़की कौन थी? मॉम कुछ तो ख्याल करें शानोबी के सामने। मुझे कुछ नहीं मालूम कौन थी वो। और मैं आपको मिलवा दूंगा ना उससे। क्या मतलब है मिलवा दोगे? मुझे नहीं मिलना उससे। मॉम वो बहुत अच्छी लड़की है। कौन है वो? उसका बाप क्या करता है? क्या बिजनेस है उनका? क्या खानदान है? कहां रहती है? मुझे सब बताओ। एक्चुअली उसका ताल्लुक एक गरीब फैमिली से है। उसकी माँ मेहनत करती है, अच्छे लोग हैं बहुत। गॉड, मेहनत करती है, इसका मतलब है वो गरीब है? वो किसी गारमेंट्स फैक्ट्री में या तो धागे काटती होगी, या फिर किसी बड़े घर की नौकरानी होगी। ओह माय गॉड फरीद, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया मॉम आपको? आप किसी की इज्जत उसके प्रोफेशन से कैसे कंपेयर कर सकती है? मेहनत करती है उसकी माँ, इज्जत से रोजी रोटी कमाती है। आप जब उनसे मिलेंगी ना, आपको अंदाजा हो जाएगा। मुझे नहीं मिलना उससे, बड़ी गंदी बैकवर्ड सी लड़की लग रही थी मुझे। इस चीज का अंदाजा आपको कैसे हुआ? जिस तरह से उसने दुपट्टा उड़ा हुआ था ना, बिल्कुल गवार लग रही थी वो। वाह आंटी, क्या सोच है आपकी? इज्जत और हुर्मत की निशानी को आप गवार कह रही हैं? बल्कि मेरी बात माने आप और मामा भी दुपट्टा लेना शुरू करते। तुम्हारी सोबत की वजह से बिगड़ाएंगे। बिगड़ा नहीं है, बल्कि अब तो सुधर गया है। बिगड़ा हुआ तो पहले था,
जब ये आपकी तरह इंसानियत को क्लास के तराजू में तोलता था। बकवास बंद करो अपनी। और तुम, मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर आइंदा उस लड़की से मिले ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात? कौन थी? समीना? समीना। लेकिन अब क्या होगा? आंटी तो धमकी देके गई है। मुझे ना अब किसी भी धमकी की कोई परवाह नहीं है। रियली? रियली। वाह, आप इसे बता दें कि मैंने इसकी शादी तय कर दी है लाइबा के साथ। गरीब की मर्जी के बगैर? तुम चुप करो हिना। देखा आपने किस तरह भड़काती है मेरे बेटे को? माँ, मुझे कोई नहीं भड़का रहा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ समीना से। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। दिमाग खराब हो गया उस लड़की का, पता नहीं क्या करना चाहती है। और अम्मा जी ने भी ना शय देकर उसको बागी बना दिया है। बीबी जी, ये आजकल के जो बच्चे हैं ना, सारे के सारे ही ऐसे। आप छोड़े। कैसे छोड़ दूं? अब कह रही है कि मैं अपनी बर्थडे पार्टी नहीं करूंगी, उन पैसों से किसी गरीब लड़की की शादी करवा दूंगी। क्या मैंने सारे गरीब लड़कियों का ठेका ले रखा है शादी करवाने का? जैसे तो उनके माँ बाप तो है नहीं, भेड़ बकरियों की तरह बच्चे पैदा करके सड़क पर छोड़ देते हैं। बीबी जी, बच्चे तो मीर के हो या गरीब के हो, बच्चे तो इंसान के ही होते हैं ना सारे। शाज़ियापी, सब हिना की वजह से हुआ है। मेरे बेटे को गलत रास्ता दिखा रही है वो। किसी थर्ड क्लास लोअर तबके की लड़की के चक्कर में डाल दिया उसने उसे। इस क्लास का अलमिया ही यही है कि औरतें काले काले लिबादे ओढ़कर सड़कों पर निकल जाती हैं, हम जैसी क्लास के लड़कों को झांसा देने के लिए। मगर इसमें हिना का क्या कसूर है? सब हिना का कसूर है। पहले तो फरीद स्टेटस क्लास देख के बात करता था किसी से, लेकिन वो लड़की जो मैंने देखी, उसने अजीब सा एक दुपट्टा ओढ़ा हुआ था शाज़िया, अपनी अजीब गंदी सी लड़की थी। माय गॉड, मैं तो फरीद की मेंटालिटी पे हैरान हूं वाकई। सब हिना की सोबत की वजह से हुआ आपी। मैं तो जल्दी से कोई रिश्ता ढूंढ के ना इसकी शादी कर देती हूँ, वरना ये तो किसी यतीम गरीब लड़की को ब्याह के ले आएगा, फिर मैं क्या करूंगी, सोसाइटी में बदनाम हो जाऊंगी मैं। तुम ठीक कह रही हो, मैं भी हिना की शादी कर देती हूँ। अब देखो ना, अपनी बर्थडे पार्टी कैंसिल कर दी, अब जाने किन लोगों को इनवाइट करेगी। अभी क्या हो रहा है ये सब कुछ? हाय, दरवाजा खुला हुआ है, हाथ धो गई है। हालात क्या जा रहे हैं, उनको कोई ख्याल ही नहीं किसी को भी। ए समीना, समीना किधर होल होल फिरती रहती है? ऐ शानो, आ गई तू है? क्या क्या लाई है? अम्मा हट, पर एक भी कुछ और भी पूछ लिया करके। क्या क्या लाई है? हालत ये सी पता। अम्मा आ गई। अम्मा ये ले मिठाई का। हाय, किस बात की मिठाई है? तुझे नौकरी तो नहीं मिल गई कहीं? अम्मा तो ये समझ, तेरे बेटे को दोनों जहां की दौलत मिल गई। अरे पूरे 25,000 की नौकरी मिली है, 25,000 की। और अम्मा उन्होंने कहा है कि? क्या कहा है? अरे माँ को सांस तो लेने दे, थकी हारी आई है। इधर दे, सभी खा रहे हैं। मुझे तूने पहले भी नहीं मिठाई खिलाई थी। समीना खा लेना बस मेरे बच्चा। ओ समीना, अरे जल्दी बाहर आ, खाना लगा। कामयाब करे लमिया, तू भी खाना। बेटा, तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेशंस हमारी खुशी है। पापा, लेकिन बर्थडे पार्टी तो मेरी है। अब आप ही देखें, ये मोटी मोटी आंटियां अपनी ज्वेलरी और कपड़ों की नुमाइश करते हुए, और मोटे मोटे अंकल ये दोन निकाल के आएंगे तो कैसे लगेंगे?
कहती तो तुम ठीक हो मगर तुम्हारे मामा के स्टेटस का क्या होगा? मेरी बात तो आप रहने दें, इसने तो फरीद का दिमाग फेर के रख दिया है। पूछे इससे, आयशा ने फरीद को किस लोअर मिडिल क्लास लड़की के साथ घूमते फिरते देखा? मामा वो लड़की मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी लड़की है, बल्कि मैं तो फरीद की चॉइस को दाद दूंगी। सुना आपने, आयशा का रोना बिल्कुल सच है। कल ये भी ना किसी ऐसे ही लड़के का हाथ थामे हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। शाजिया, ठीक कह रही हूँ मैं? प्लीज, दिस इज टू मच। मामा, मैं इंसान को देखती हूँ, उसकी क्लास को, और अगर कोई इंसान मुझे पसंद आ जाएगा तो मैं बाबा को तो जरूर बताऊंगी। क्यों बाबा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। ये इंसान की इंसानियत देखती है, इंसानियत की नुमाइश नहीं। रोएंगे आप भी इसके हाथों कभी, जैसे आयशा रो रही है? है ना, मैं रोऊंगा तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं बाबा। ज्यादा नाराज हो गई है। थैंक यू बाबा। माय प्लेजर, माय प्लेजर। मैं तुम्हें अपनाऊंगा सभी। जांचा मिर्जा ले जावे कोई, अगर तुम्हें कबूल हो तो शादी करोगी मुझसे? रब जाने माही कब। ये वाला फूल मेरी मोहब्बत के तुमसे इजहार के लिए, रानी मुझे, और ये वाला फूल तुम्हारे इकरार के लिए। कंगना कंगना हत्था विच तेरा तेरा प्यार डोलदा, कंगना कंगना हत्था विच तेरा नाम बोलदा। कमबख्त मारे ने सीटियां मार मार के सारे ख्वाब का सत्यानाश कर दिया। मजा चखाती हूँ मैं इसको, इसकी आंखों में मिर्चों वाला पानी डालती हूँ। आज तो इसे मैं मजा चखा के रहूं। बड़ी सीटियां मारता ना तू, अब चख इसका मजा। बड़ा सीटियां मारा था ना असद। मेनू लगता है कि अपना हिना जड़ी है ना, उन्हू को पसंद आ गया है। ओ मां जी बैठो। हाँ पुत्र, मेरा तजर्बा जड़ा है ना, वो कहता है कि कुड़ियां कभी अपनी मां नाल बगावत नहीं कर दिया जो उन्होंने कोई पसंद ना होवे। पुत्र तू अपनी बेटी दी खुशी दा ख्याल रखी। मां जी मैनू हिना दी खुशी दुनिया दी हर शय तो ज्यादा प्यारी है, नहीं तो मेरे लिए फरीद तो नेड़े कौन सी। मां जी। हाँ जी। देखिए तस्वीर। ना हौल वला कुवत। ओए तूने देखे ऐ गोडिया टिकट है दी पतलून है ना? बाबा ना, एहो जी कुड़ी साडे घर दी वो नू नहीं बन सकदी। अले नहीं वो ठीक ही है माँ जी। माँ जी इतने बड़े ब्यूरोक्रेट की बेटी है, अमेरिका में पढ़ रही है, अगले हफ्ते पाकिस्तान आएगी। मुझे फरीद के लिए पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आप इसका रिश्ता लेने जाएं। एक कुड़ी जड़ी ना इस कार्य कभी मुंह नहीं बन के आ सकती, मैं कह रही हूँ। माँ जी फरीद को किसी लोअर क्लास छिछोरी लड़की ने अपने चक्कर में फांस लिया है, उसके साथ गाड़ियों में घूमती फिरती है, और फरीद ने साफ कह दिया कि उसी से शादी करेगा और किसी से नहीं। फरीद कह रहे है ना तो कर दो। माँ जी वो बिल्कुल कोई जाहिल किस्म की लड़की है। ये अंदाजा तुम्हें कैसे हुआ आयशा? असद भाई वो एक चादर के साथ अपने आप को अजीब तरीके से ढांप के बैठी हुई थी, गवारों की तरह अपने आप को छुपा के बैठी थी ना, इस तस्वीर में कल वाहियात नहीं थी। देखो आयशा, फरीद की खुशी का ख्याल रखो, ये उसकी जिंदगी है,
उसे अपनी पसंद और मर्जी से गुजारने दो। सॉरी असद भाई। क्यों फिर मेरे वालों की सॉरी? मैं तेरा पुत्र है, तू जिथे मर्जी उसकी शादी कर, पर मेरी एक गल सुन ले, वो घर उस ना तमीजदार और बाहयाद आएगी, नहीं तो करके बाहर सुटांगी। ठीक है माँ जी, फिर आप हिना को समझा लीजिए, क्योंकि वो घटिया छिछोरी लड़की हिना की दोस्त है और हिना ने ही फरीद को उससे मिलवाया। कह गई है सर, हिना तो फरीद नु गुनाह। ये म्याऊ म्याऊ ना जाके अपनी माँ बहन और फुप्पो के पास कर। ए समीना, इधर आ, भगा इस बिल्ले को, नहीं तो आज तेरा और इसका हशर कर दूंगी। छोड़ना नानी, आहिस्ता बोल, भाई अंदर है। ये तूने आदतें खराब की हैं, भगा दे फौरन, नहीं तो बहुत बुरा होगा, समझ ले। हाँ मैं भगा दूंगी। नानी तू छोड़ना, ये सारा कुछ मैं करती हूँ, मैं हूँ ना। तो नानी मैं तेरे लिए ना बहुत अच्छे से पकौड़े बना कर लाती हूँ अभी। है? अरे उसमें खूब अच्छी सी प्याज और मिर्ची डालना, समझ गई? हाँ वैसे ही बनाऊंगी जैसे तू कह रही है। नानी देख, नानी तू सिर्फ मेरी नानी नहीं है, मेरी सहेली, मेरी हमराज और पता नहीं क्या क्या कुछ है। तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ पूछ पूछ, क्या बात? फरीद कैसा लगता है तुझे? फरीद, अरे माशाल्लाह, चंदे आफताब चंदे माताब। तू क्यों पूछ रही है? हाँ वो उसने कहा है नानी कि वो ना अपने घर वालों को लेकर आएगा हमारे घर मेरे रिश्ते के लिए। वाकई? हाँ नानी वाकई। देख नानी तू ना सबको मना लेना, हाँ हाँ करवा लेना सबसे। वो तो मैं करवा लूंगी, मगर वो तो बहुत अमीर है, उसका बटवा तो हमेशा नोटों से भरा हुआ होता है। उसका दिल भी खलूस से भरा हुआ नानी। अच्छा तूने उसके दिल में भी झांक लिया है? मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। आएगा नानी जरूर आएगा, उसने खुद कहा है मुझसे। अच्छा तो चल फिर तो यहां से हाँ हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि तू मुझे अपने साथ लेके जाएगी। मेरी बड़ी ख्वाहिश है हमेशा से कि बड़े से बंगले में रहूं मलका बन। हाँ नानी वादा, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी, मगर देख नानी तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। तू अम्मा को कुछ भी मत बताना, अम्मा को तो न जाने अमीरों से क्या खुदा वास्ते का बहर है। अरे मैं पागल हो गई हूँ जो शानों को कुछ बताऊंगी, दफा। अच्छा चल उठाइए और जल्दी से ना बहुत सारे पकोड़े बना मिर्चों वाले, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। मैं बना के लाती हूँ, मगर तू मना तो लेगी ना? सब करा लूंगी ना, कह तो रही हूँ, चल जा। अभी लाती हूँ। आए मेरे अल्लाह, कब ऐसा होगा कि मेरी जान इस जहन्नम से छूटेगी। बोलो फरीद, खामोश क्यों खड़े हो? ये क्या बोलेगा असद भाई? आप इसे बता दें कि मैंने इसकी शादी तय कर दी है लायबा के साथ। फरीद की मर्जी के बगैर? तुम चुप करो है ना। देखा आपने किस तरह भड़काती है मेरे बेटे को? माँ मुझे कोई नहीं भड़का रहा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ समीना से। I'm very clear about it। बकवास बंद करो फरीद, पता नहीं किस गंदे घर की ईंट है वो, मैं खून कर दूंगी उसका। जैसी भी ईंट है सजेगी इसी घर की दीवार में। मां क्या हो गया है फरीद तुम्हें? तुम किसी को भी इस घर की बहू बना दोगे ये हम गवारा नहीं करेंगे। तुम यहां क्या कर रही हो? जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं घुसी चली आती हो, जाओ जाकर अपना काम करो। ये
जी मुझे तो आप अन्नी और डोरी समझे, इस घर की हर बात मेरे सीने में दफन है। देखा था तो यही फर्क होता है इंसान और आदमी में। माँ जी आप खामोश क्यों हैं? हमारे घर का कोई मयार है, कोई स्टेटस है, किसी भूखे को खाना मिल जाता है तो अपनी औकात ही भूल जाता है। कोई भूखे नंगे खानदान की लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती है। बस करो, जिन्हें फैसला सुनाना सीधा उन्हें सुना देता है, वो किसे और दे फैसले की जरूरत नहीं है। फरीद पुत्र तू जाके ना कुड़ी नू मिल के आ, और उनको आज सारा खानदान साडा जेड़ा ना उनू मिलने वास्ते आ रहा है। ये नहीं होगा माँ जी। आयशा जवान बेटा है, कुछ ख्याल करो। और फिर फरीद बहुत समझदार लड़का है। आप सबकी बेजा हिमायत की वजह से इन दोनों का दिमाग खराब हो गया है। मैं सही बता रही हूँ, अगर वो लड़की इस घर में आई मैं उसे शूट कर दूंगी। प्रीत पुत्र तू उन्हें कह दे कि तेरी दादी उन्हें मिलना चाहती है। दादी जान पहले मैं समीना को लेकर आऊंगी, आप उससे मिलिएगा, फिर हम उसके घर जाएंगे। थैंक यू दादी, मॉम तो ठीक हो जाएंगी। थैंक यू दायाबू, थैंक यू सो मच। खुश रहो बेटा। आशी आशी मेरी जान, खुद को संभालो। कैसे संभालू आप ही, मेरा एक ही बेटा है। मैंने हमेशा से सोचा था कि हिना को अपने घर की बहू बना के लाऊंगी और ये घर हमेशा जुड़ा रहेगा, लेकिन फरीद ने तो मुझे बिल्कुल तोड़ के रख दिया। और सबकी जिम्मेदार आपकी बेटी हिना है। हिना ऐसी सोच रखेगी, अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं कभी उसे बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजती। मैं तो समझ रही थी कि बाहर से पढ़कर आएगी तो मटेरियलिस्टिक हो जाएगी, अपना स्टेटस बनाएगी, अपनी क्लास बनाएगी, मगर वो तो चाइल्ड निकली। मैं उस लड़की का खून कर दूंगी, इस सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। किसी मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट सफीर किसी को नहीं इनवाइट कर सकती मैं शादी में। एनजीओ वाले तो मुझ पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। हेलो, मैं बात कर रहा हूं अब्दुल्ला, मुझे तुमसे मिलना। हां तो कल आ रहे हो ना बर्थडे पे, तो वहीं पे मिल लेना। लेकिन मुझे आज मिलना है तुमसे, कोई जरूरी बात करनी है। लो भाई गर्मा गर्म पकौड़े। ये पकौड़े तुम जो नानी को रिश्वत के तौर पे खिला रही थी। लो भला, नानी को क्या जरूरत रिश्वत की, वो तो सदा की चटोरी है। तुम खाओ ना। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखते हुए ये सोच रहा हूँ कि कितनी बदल गई हो ना तुम। मैं क्यों बदलने लगी? बचपन से लेके आज तक तुम्हें कभी भी कोई चीज पसंद आती थी तो मुझे कहती थी, मैं तुम्हें लाके देता था। और आज आज नानी को पकोड़े खिला के अपनी अंदाज बना रही है तुम। ऐसी बात नहीं है भाई, वो तो भाई है ना। तो तेरे सामने ये सब बातें मुनासिब नहीं लगती। अम्मा को पता? नहीं नहीं भाई, तू खुदा का वास्ता अम्मा को कुछ भी मत बताना, वैसे भी पसंद तो उसी की है। नाम ही बदनाम हो गया, मैं जाकर देखती हूँ। मैं बात करता हूँ हिना से। बीबी जी बस करें, आप बीबी जी बहुत रो रही हैं, बहुत देर से। मुझे तो लग रहा है मैं सारी उम्र रोती रहूंगी शानो, मेरा एक ही बेटा है। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे मैंने उसके लिए, किसी घटिया लड़की के चक्कर में पड़ गया है वो।
भी वो हो सकता है वो लड़की हमारी अच्छी बहू बन जाए। क्या खाक अच्छी बहू बनेगी वो, गंदे गरीब लोग इसी तरह अमीर लड़कों को फांसते हैं। क्या क्या नहीं सोचा था हम अल्लाह खानदान में शादी करूंगी अपने बेटे की, लोग वाहवाह करेंगे, कोठी बंगला गाड़ी लेकर आएगी वो, सोसाइटी में नाम होगा। अरे पता नहीं किस फकीर की बेटी को पसंद कर लिया मेरे फरीद ने। नहीं बीबी जी, वो वैसे इंसान को गुर्बत के तराजू में तो नहीं ना तोलना चाहिए। ये तोलना, ये तराजू का सिस्टम है ना, इससे तुम जैसे जाहिल लोगों का काम है। हम लोग सिर्फ स्टेटस और क्लास देखते हैं। गंदे भूखे नंगे लोग स्कूल कॉलेजों के बहाने ऐसे फरीद जैसे मासूम सीधे साधे लड़कों को फांसते हैं, उनका शिकार करते हैं ताकि हम जैसा बन जाए। चले ना बीबी जी, बस करें, अब बहुत रो लिया, अब तबीयत खराब हो जाएगी, सिर में पीड़ हो जाएगी फिर। अच्छा चाय तो पी, मैं कब से चाय बना के लेके आई हूँ, आपने चाय नहीं पी। ले अरे चाय, ठंडी बर्फ हो गई है। अच्छा चले आप चुप करें, मैं आपको अच्छी सी एक और चाय बना के देती हूँ। हाँ, जाओ जाओ जाओ, तंग नहीं करो मुझे। हिना प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। हिना ये लो फोन, दुल्हा को कॉल करो, उसे कहो कि दादी इसके घर आना चाहती है। मैं उसका दिमाग को कोई फोन नहीं करूंगी, खुद ही करो। यार मैं अच्छा लगूंगा फोन करते हुए, खुद प्यार करते हुए अच्छा लगा ना, फोन भी खुद ही करो। अच्छा तुम्हारा फेवरेट पिज्जा खिलाऊंगा तुम्हें, कोई जरूरत नहीं। चलो ठीक है फिर, तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में लेके चलूंगा, आप तो डील कर लो यार, बस करो। जी नहीं, आज दादी ने सरसों का साग और मकई की रोटी बनवाई है शानोगी से, मैं तो वही खाऊंगी। ओह माय गॉड यार, कितना ब्लैकमेल करोगी मुझे, क्यों कर रही हो? जब प्यार खुद किया है तो रिश्ता भी खुद ही मांगो। अब्दुल्ला का फोन, बड़ी ताकत है तुम्हारी मोहब्बत में। करो ना बात प्लीज। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल्ला, मुझे तुमसे मिलना। हाँ तो कल आ रहे हो ना बर्थडे पे, तो वहीं पे मिल लेना। लेकिन मुझे आज मिलना है तुमसे, कोई जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। बहुत गुस्से में था खर दिमाग, मैं तो नहीं जा। अरे प्लीज चली जाना ना, क्या हो गया? तुम मुझे आयशा आंटी से पिटवाओगे, मेरी खातिर इतना नहीं कर सकती तुम। अच्छा ठीक है जाती हूँ। जी जी, बस वो असद की ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, इसीलिए पार्टी को कैंसिल करना पड़ा। बस वो जब आएंगे तो देखेंगे। आप प्लीज क्लब के सारे मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। तो बीवी जी क्या वो मुझे भी रुकना पड़ेगा? अरे भाई क्यों नहीं रुकना पड़ेगा, हिना के फ्रेंड्स आ रहे हैं। और एक बात कान खोलकर सुन लो मेरी, मेरे कमरे में आके ना मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। क्यों बीबी जी आप नहीं आएंगी? पता नहीं किन गवां लोगों को इनवाइट किया है, माजी जाने, असद जाने और उनकी पोती जाने। है नहीं, वो हिना बीबी के दोस्त होंगे तो वो गुआर जाहिल तो नहीं होंगे, पढ़े लिखे होंगे। वैसे फरीद को और हिना को ना ऐसे ही लोगों में उठना बैठना पसंद है जो किसी घर के मुलाजिम हो, नौकर हो, रेडी वाले हों। तो बीबी जी आप हिना बीबी को समझाए ना। वो किसी की बात नहीं सुनती, सिर्फ अपनी पापा की बात सुनती है, माजे की। अच्छा तुम बताओ, तुमने अपनी बेटी की कहीं बात पक्की की? नहीं जी, उसने तो खैर से फिर से कॉलेज में दाखिला ले लिया है। शादी करो, जान छुड़ा उससे, आज के लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। वैसे वो बराबर वाले हैं ना मिसेज इम्तियाज, ड्राइवर की शादी का जिक्र कर रही है, तुम कहो तो मैं उनसे बात करूँ। वो उनका ड्राइवर जो अफजल है, हाय बीबी जी वो तो बहुत अच्छा लड़का है, तो सारी नमाजें जाके मस्जिद में पढ़ता है। हाँ आप करें ना बात। वैसे उनको ना अपने घर के लिए एक मुस्तकिल नौकरानी चाहिए, तुम्हारी बेटी को वहाँ काम करना पड़ेगा। है तो क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। आप देखे ना, नौकरानी की बेटी रानी तो नहीं बन सकती ना, नौकरानी बनेगी। आप आज ही बात करें बस। हाँ हाँ आज ही बात करूंगी। तुम वैसे ना असद को और माजी को चाय दे आओ उनके कमरे में, दोनों आज कोई मीटिंग कर रहे हैं।
अच्छा जी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि फरीद इतना संजीदा है कि वो अपने घर बात कर लेगा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, सच्चे, दूसरों की तरह नहीं, जो खर दिमाग होते हैं, रोब झाड़ते हैं और सारी बातें दिली दिल में रख के बैठ जाते हैं। देखो ना, इससे अपना भी बेड़ा गर्क होता है और दूसरों का भी। बुजदिल। ये बुजदिल किसे कहा है तुमने? तुम। अरे मेरे मुंह पे ही। बुजदिल नहीं हूं मैं, बस मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये सोच है कि पहले समीना को अपनी मंजिल मिल जाए तो फिर मैं अपनी मंजिल की जस्ट करूँ। तुम्हें मंजिल तलाश करने की जरूरत नहीं है। तुम इधर देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। हाँ लेकिन क्या सोच रहे हैं? वो मैं बस ये सोच रहा था कि फरीद लड़का है यार, वो चाहे तो लड़ सकता है, लेकिन तुम बेटी हो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगी। अच्छा तो जाओ फिर, जब तुम मेरे लिए लड़ रही होगी तो मैं तुम्हारे शाना बशाना खड़ा तुम्हें नजर आऊंगा। जाओ, दादी कब आ रही है तुम्हारी? तुम्हारी नानी? उनसे भी ज्यादा जल्द। अच्छा तो तुम मोटरसाइकिल वालों को मेहमान बनाकर घर बुलाओगी? क्यों, जो मोटरसाइकिल पे आते हैं उन लोगों की इज्जत नहीं होती, उनको इज्जत नहीं दी जाती? और मीना की बर्थडे है और। अच्छा तो वो गवार लड़की भी इनवाइटेड होगी, है ना? ऑब्वियसली मॉम, और इस दफा मैं चाहता हूँ कि आप समीना से ना अच्छे तरीके से बात करें। मुझे मत समझाओ तुम तो।